नमस्कार, आप देख रहे हैं आपड़ू उत्तराखंड और मैं हूं प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में बीजेपी की मीटिंग के बाद कब तक टिकट फाइनल होने वाले सवाल पर प्रेस से बात करते हुए कहा कि ये प्रक्रिया है, सभी जिलों में लोग पैनल लेने पहुंचे हैं, जल्द ही ऐलान होगा। सुनिए। जल्दी इसकी प्रक्रिया चल रही है और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पहले हमने सभी जिलों में पैनल लेने के लिए लोग गए हैं, वो पैनल आ रहे हैं और उसके बाद हमारी प्रदेश समिति की बैठक होगी, प्रदेश चुनाव समिति की, और उसके बाद हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड बैठेगा। उसमें जो भी प्रत्याशी आएंगे, सबकी योग्यता, क्षमता, देश काल, परिस्थिति, जो उपयुक्त पाया जाएगा उसमें से उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा, बाकी सभी लोग उसके साथ लगेंगे। हर वर्ग के लोगों का इसमें वो होगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में कांग्रेस के कारनामों और भाजपा के कार्यों के बीच मुकाबला होगा। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पूरक है। सुनिए। कांग्रेस और करप्शन, ये दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कांग्रेस के काले और खूनी पंजे को यहां जनता, हमारे देवभूमि की जनता, निश्चित रूप से यहां की सत्ता से हमेशा, जैसे उनको 2017 में यहां से विदा किया था, इस बार उनको उससे भी और मिनिमाइज करने वाली है। ये हालत ये है, बार बार आपके सामने आ रहे हैं वो, जैसे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सुपा बोले तो बोले, छलनी क्यों बोले जिसमें 256 छेद। बहुत पहले द फाउंटेन हेड नामक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, मुझे उसको देखकर यकीन हो गया है कि करप्शन की फाउंटेन हेड अगर कोई पार्टी है, करप्शन की कोई जननी है, यानी भ्रष्टाचार की कोई जननी है, तो कांग्रेस है। और उनके घर जिनके खुद के शीशे के होते हैं, वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। अभी उनकी सरकार भी पूरे उत्तराखंड के अंदर सभी लोगों ने देखी थी, किस प्रकार की सरकार चलती थी, किस प्रकार से माफिया डंपर चलाते थे। मुझे याद है आज कल्याणी नाम की जो डीएफओ होती थी, वो सब लोग भूले नहीं है, उस पर किस तरह से जो है वहां पर गाड़ियां चलाई गई थी, किस प्रकार से हमले हुए थे, किस प्रकार से माफियाओं को संरक्षण मिलता था, हम भली भांति जानते हैं। और आज बहुत सारे नेता हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, कोई उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं, कोई कोंदू झिंगोरों की बात कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि जो लोगों ने कभी न उत्तराखंड का समर्थन किया, न उत्तराखंड बनाने के पक्षधर थे, और सैनिकों का भी जिन्होंने हमेशा अपमान किया, जो हमारे जनरल बिपिन रावत आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने जनरल बिपिन रावत जी को भी, जिनकी पार्टी के लोगों ने गली का गुंडा कहा, वह भी जो है आज सैनिकों की बात कर रहे हैं और केवल वोटों के लिए काम कर रहे हैं, जो इनका इतिहास रहा है हमेशा से। इन्होंने चाहे उत्तराखंड हो चाहे देश हो, हमेशा देश के साथ समझौतों पर समझौते किए हैं, हमेशा से तुष्टिकरण को बढ़ाने का काम किया है, न्याय की बात कभी नहीं की है। जो उन्होंने कहा है कि ये आने वाला जो दशक है, ये 20 से 30 का दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा, इस उत्तराखंड का दशक बनाने का काम हम सब लोग करेंगे। हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, क्योंकि अटल जी ने उत्तराखंड राज्य बनाया था, मोदी जी के नेतृत्व में इसको संवारने का काम होगा और उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड की जनता, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता, और मैं पूरे प्रदेश के अंदर गया हूं, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी गए हैं, हमारे वरिष्ठ नेता अजय टमटा जी गए हैं, हमारे सभी जितने भी मंचासी हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आखिरी समय में राज्य सचिवालय में धन का खुला खेल हुआ, ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों के वारे न्यारे किए गए। सुनिए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड के अंदर वर्तमान सरकार
इलेक्शन कमीशन के आदेश की पूर्णतः नग्न तरीके से, बेहद शर्मपूर्ण तरीके से अवहेलना कर रही है। मैंने आपसे शेयर किया था कि किस तरीके से इलेक्शन की घोषणा के बाद, डेट की घोषणा के बाद आबकारी विभाग में एक आदेश निकाला गया और उस आदेश के जरिए किस प्रकार करोड़ों रुपए का खेल, ये उच्च क्वालिटी की मदिरा को लेकर के, शराब को लेकर के, ओवरसीज वाइन को और लीकर को लेकर के ये वायलेशन हो। इलेक्शन कमीशन एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करता है, ये तो गवर्नमेंट मशीनरी का इतना नग्न यूज, सर्वनाक यूज, ये पूरे इलेक्शन प्रोसेस को वायलेट ही नहीं करता है बल्कि इसको विशियस भी बनाता है, इसको विषैला बनाता है। को विषैला बनाता है। दूसरी बात जो इससे और गंभीर है, राशन की दुकानों पर जो बैग दिए जा रहे हैं, अनाज जिनमें दिए जा रहे हैं जो है, वो उनमें श्री नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर के फोटो लगे हुए हैं, चेहरे लगे हुए, जबकि होना ये चाहिए कि पेट्रोल पंपों सहित हर सार्वजनिक स्थल से ऐसे चित्र हटाए जाने चाहिए। और यहां तो राशन के किट भी दे जा रहे हैं, हम जानते हैं कि भाजपा कोई संत प्रवृत्ति की पार्टी नहीं है, मगर इस तरीके से खुलेआम नग्न तरीके से, सर्वनाक तरीके से इलेक्शन प्रोसेस को विशियस बनाना, उसको वायलेट करना, ये उत्तराखंड में के लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक प्रोसेस। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आदर्श आचार संहिता लगते ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने सहित बीजेपी के नेताओं ने भी प्रचार अभियान शुरू कर दिया। तो वहीं केंद्रीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय दलों के नेता जगह जगह जनसंपर्क करने के लिए निकल रहे। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश हरबोला का कहना है कि हल्द्वानी विधानसभा में वे कई सालों से पार्टी के विभिन्न पदों पर सेवा करते हुए आ रहे, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है, जिसको देखते हुए लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। दांव लगाएगी हल्द्वानी की सीट में, पार्टी को जीत के दूंगा, क्योंकि जितना मेरा राजनीतिक समय हो चुका है, सब चीज़ों में मैंने काम करा, सब क्षेत्रों में, संघ में मैंने काम करा, भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं, इसको देखते ही मुझे लगता है कि भारतीय जनता, और जो मैंने नजूल के लिए हल्द्वानी में जो कार्य किया है, अभी मैं रेलवे स्टेशन की मुहिम चलाए हूँ, इन सबको देखते हुए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी मुझे टिकट देगी, अपना प्रत्याशी बनाएगी। टिकट यहाँ पर डिक्लेयर होने का, देखिए टिकट 15 के से 21 के बीच में कभी डिक्लेयर हो जाएंगे, जहाँ तक मुझे संभावना है 20 के आसपास डिक्लेरेशन होगा। भाजपा कहीं ना कहीं आप सक्रिय दिखाई दे रही है। देखिए आचार संहिता लगने के बाद जैसा कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ये कहा गया कि 5 से अधिक व्यक्ति जनसंपर्क नहीं करेंगे, तो उसी का पालन करते हुए हम 3-4 लोगों के मोहल्लों में जनसंपर्क कर रहे हैं। और जहाँ तक भाजपा जनता का सवाल है, जनता पूरा मन बना चुकी है कि भाजपा को की सरकार फिर वापस लानी है, कि जो मोदी ने जनकल्याणकारी कार्य किए हैं, साथ ही हमारी जो स्टेट की सरकार है उसने भी जो कार्य किए हैं, उनको देखते हुए जो है सबका मन है कि भाजपा आए, जिससे जो कार्य थोड़े अधूरे रह गए वे पूरे हो जाएं। जैसे देखिए अटल
अटल स्वास्थ्य योजना बनी जो गरीब के लिए बहुत बड़ी सफलकारी योजना है, क्योंकि पता है जब आदमी बीमार पड़ता था, गरीब आदमी, तो साहूकार के कर्जे में दब जाता था, लेकिन उस योजना से उसको बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। सब में बड़ी जो आप देखते हैं, कोरोना काल में इतना बड़ा हादसा होने के बाद पूरे विश्व की जिससे अर्थव्यवस्था छिन्न, आदर्श आचार संहिता लगते ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं सहित बीजेपी के नेताओं ने भी प्रचार अभियान शुरू कर दिया। तो वहीं केंद्रीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के बाद राष्ट्रीय दलों के नेता जगह जगह जाकर जनसंपर्क करने के लिए निकल रहे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश हरबोला का कहना है कि हल्द्वानी विधानसभा में वे कई सालों से पार्टी के विभिन्न पदों पर सेवा करते हुए आ रहे और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है, जिसको देखते हुए वे लोगों से जनसंपर्क कर रहे। उनका कहना है कि आगामी 15 से 20 जनवरी के बीच भारतीय जनता पार्टी विधानसभाओं में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। उनका कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक कार्यों और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर लड़ा जाएगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी 60 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। तो लगता है कि आपकी जो है पार्टी मेरे ऊपर ही जो है दांव लगाएगी, हल्द्वानी की सीट में पार्टी को जीत के दूंगा, क्योंकि जितना मेरा राजनीतिक समय हो चुका है, सब चीज़ों में मैंने काम करा, सब क्षेत्रों में, संघ में मैंने काम करा, भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं, इसको देखते मुझे लगता है कि भारतीय जनता, और जो मैंने नजूल के लिए हल्द्वानी में जो कार्य किया है, अभी मैं रेलवे स्टेशन की मुहिम चलाए हूँ, इन सबको देखते हुए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी मुझे टिकट देगी, अपना प्रत्याशी बनाएगी। उत्तराखंड के पूरे प्रदेश बीजेपी द्वारा जहां प्रदेश में उत्तराखंड के प्रदेश में जहां पर बीजेपी की सभी विधानसभाओं में प्रत्याशियों के चयन को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच राय ली जा रही, इसी कड़ी में प्रभारी मयंक गुप्ता ने खटीमा विधानसभा के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर प्रत्याशियों के चुनाव को लेकर राय ली। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी पसंद के प्रत्याशी को लेकर बैलेट के माध्यम से चुने जाने की मत और राय दी। भारतीय जनता पार्टी एक आंतरिक लोकतंत्र वाली पार्टी है और कार्यकर्ताओं की राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत सभी विधानसभाओं में पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, उसी क्रम में चार विधानसभाएं मेरे पास थी, जिनमें किच्छा, सितारगंज, खटीमा और नानकमत्ता, जिनमें से तीन विधानसभाओं का कार्यकर्ताओं की राय आज पूर्ण हो गई है, नानकमत्ता में अभी होनी है। जो पार्टी ने एक श्रेणी तय की है, उस श्रेणी के सभी कार्यकर्ताओं को यहां बुलाया गया है और उन्होंने एकांत में जाकर एक बैलेट जैसा उनको दिया गया है, जिस पर उन्होंने अपनी राय लिखकर बॉक्स में डाल दी है, जो प्रदेश मुख्यालय पर जाकर खुलेगा और कार्यकर्ताओं की राय के अनुरूप जो इस विधानसभा के प्रत्याशियों का पैनल है वो तैयार होगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में टिकट आवंटन के लिए बीजेपी चुनाव पर्यवेक्षक हर विधानसभा में जाकर कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे। आज हरिद्वार पहुंचे चुनाव पर्यवेक्षकों ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की विधानसभा हरिद्वार नगर सीट समेत जिले की 6 विधानसभाओं में जाकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। सेन धर्मशाला में गुप्त चुनाव के माध्यम से सभी मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं ने अपना मत दिया। पर्यवेक्षक बनकर आए भाजपा के प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान ने बताया कि पार्टी की नीतियों के तहत टिकट आवंटन के लिए कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। ये एक भारतीय जनता पार्टी की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का एक अंग है। पूरे प्रदेश भर में सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर चर्चा, कार्यक्रमों को लेकर चर्चा और जो चुनाव के जितने पैमाने होते हैं उनको लेकर चर्चा प्रचर्चा चल रही है। उसी के निमित्त आज की चर्चा यहाँ के हरिद्वार नगर के विधानसभा के आदरणीय कार्यकर्ताओं के साथ थी, जो कुशलता और सफलता के साथ संपन्न हुई। ये चरण कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए बूस्टअप करने का चरण है। तो चुनाव आ रहे हैं और आचार संहिता लग चुकी है, तो हम जो है अपने आम आदमी पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, जिसमें कोटद्वार विधानसभा से अधिवक्ता अरविंद वर्मा को प्रत्याशी चुना गया। तभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी और उत्साह के साथ कोटद्वार आम आदमी पार्टी कार्यालय में अधिवक्ता अरविंद वर्मा को फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। प्रत्याशी घोषित होने के बाद मीडिया से रूबरू होकर अरविंद वर्मा ने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे टिकट दिया। मैं उनकी उम्मीदों पर
खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और बताया कि भाजपा और कांग्रेस अब तक 21 साल उत्तराखंड में राज कर चुकी है लेकिन विकास कहीं नजर नहीं आया। पार्टी हाईकमान ने एक मजदूरी तबके से निकले हुए परिवार के इस मजदूर के बेटे पर विश्वास जताया है और मैं खुद मजदूरी कर न्यूज़पेपर बेचकर थ्री व्हीलर चलाकर देहरादून में विक्रम चलाकर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की एलएलबी की और मुझ जैसे व्यक्ति को उन्होंने क्योंकि आम आदमी पार्टी की यही व्यवस्था विशेषता है कि वो आम आदमी है और आम आदमी की तरफ की तरह सबको देखते हैं तो मुझ आम आदमी को उन्होंने टिकट दिया है। मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और आप ये मानिए कि मैं आम आदमी पार्टी जो कि कहेंगे मुझ जैसे व्यक्ति की पार्टी के लिए अपनी पूरी जो भी सेवा होगा होगी करूंगा और इस सीट पर बिल्कुल आप ये मानिए चाहे कोई भी बीजेपी और कांग्रेस का कितना ही बड़ा दिग्गज हो हम अपना होमवर्क करके उनके सामने उतरेंगे और बिल्कुल ये सीट को बिल्कुल आप ये मान लीजिए मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि जो आम आदमी दिल्ली के परिवहन मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने आज काशीपुर में ये कहकर सनसनी मचा दी कि पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गारंटी योजनाओं में उत्तराखंड के 25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराकर संकेत दे दिया है कि अब प्रदेश में आम आदमी पार्टी की लहर है। यहां आम आदमी पार्टी कार्यालय में आप उम्मीदवार दीपक बाली के साथ आयोजित एक पत्रकार वार्ता में गोपाल राय ने कहा कि 21 वर्ष तक उत्तराखंड की जनता के लिए भाजपा कांग्रेस मजबूरी थी लेकिन अब आम आदमी पार्टी के रूप में यहां की जनता को एक मजबूत विकल्प मिल गया। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों की मूलभूत समस्याएं आज भी वैसी ही हैं जैसे कि राज्य गठन के समय थी। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में पार्टी की कामकाज किए जाएंगे। देखिए उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। हमारे कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी होना शुरू हो चुका है। अभी चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू किया है उसके बाद चुनाव प्रचार की नई रणनीतियों की हम लोग समीक्षा करके आगे की कार्ययोजना बना रहे हैं। लोकल स्तर पर आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर काशीपुर में हमारे कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली जी को उम्मीदवार बनाया है। कल हमने यहाँ की टीम के साथ पूरी रणनीति बनाई है और पूरे काशीपुर में और पूरे उत्तराखंड के अंदर डोर टू डोर कैंपेन पर हम फोकस करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है वो वर्चुअल रैलियों के माध्यम से जनता के साथ संवाद बनाएगा और हम एक ही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को उत्तराखंड के अंदर 10 साल मौका दिया गया, भारतीय जनता पार्टी को 11 साल मौका मिला, एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए, दिल्ली से ज़्यादा हम काम करके उत्तराखंड में दिखाएंगे। सभी उतरेंगे, दिल्ली में हमने उतारा है उत्तराखंड में भी करके दिखाएंगे। सभी चीज का जैसे अभी बेरोजगारी को लेकर के पार्टी ने घोषणा किया है कि हम यहाँ पर लोगों को रोजगार देंगे, 6 महीने में जो है 1 लाख से ज़्यादा रोजगार की जो है सृजन करेंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलता है 5,000 रुपया हम लोगों को बेरोजगारी बता दें। अभी ने आज अपने निवासी स्थान पर काशीपुर वार एसोसिएशन के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष और हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी और पूरी कार्यकारिणी को जिसने सम्मानित किया उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और आशीष अरोड़ा वो भी मेरे बचपन के मित्र हैं। सर बात की जाएगा आप बात की जाएगा अभी विधानसभा उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से भले ही कोरोना का ग्राफ कम हुआ हो लेकिन सरकार ढिलाई के मूड में नहीं दिख रही। दिल्ली यूपी समेत दूसरे प्रदेशों में उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को कोरोना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। कोरोना की होने पर किसी भी यात्री को प्रदेश में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिसकी वजह से थोड़ा ये काम में थोड़ा ढिलाई हो जाती है क्योंकि हम लोग पूरा कम्प्लीट कर नहीं पाते ना, क्योंकि 6 बजे तक बैठना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि हम लोग को ये सैंपल आगे भेजना होता है, फिर हम लोग को ऑनलाइन जनरेट करना होता है,
इसके वजह से ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बाकी यहाँ पे स्टाफ की भी कमी है, बाकी हमारे यहाँ पे पुलिस प्रशासन से दो होमगार्ड आते हैं, वो गाड़ी को रोकते हैं और प्रॉपर ढंग से काम। नैनीताल जिले में जहाँ कोरोना की रफ्तार बढ़ गई, तो वहीं जिले में कोरोना के केस 7 से अधिक हैं। नैनीताल जिले की सीएमओ भागीरथी जोशी का कहना है कि कोरोना मामलों को देखते हुए जिले में टेस्टिंग बढ़ा दी गई। सीमाओं पर स्वास्थ्य विभाग की टीम बाहर से आने वाले लोगों की जांच कर रही। उनका कहना है कि जिले में ओमिक्रॉन का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। बता दें कि नैनीताल जिले में जहां कोविड-19 के चलते कई जगहों पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, तो वहीं पर कोरोना संक्रमण के चलते कई प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी अपने आप को आइसोलेट कर लिया। गौरतलब है कि जिले में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार के लिए कोविड-19 के नियम तय किए गए हैं। जिले में पॉजिटिविटी रेट जैसा कि सभी जगह बढ़ गई है, हमारे जिले में भी बढ़ी है, और ये गेटवे होने की वजह से पहाड़ी जिलों की अपेक्षा यहाँ पर थोड़े ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन एहतियात पूरी बरती जा रही है, लोगों को आइसोलेट कर दिया गया, सबको दवाइयाँ उपलब्ध कराई हैं, टेस्टिंग भी बढ़ाई जा रही है। आंकड़ों पे जाए तो कितने जिले में कितना परसेंटेज हो गया, कितने लोग पॉजिटिविटी रेट हमारी करीब 7% है अभी इस समय। देखिए, सारे बॉर्डर्स पे हमने टेस्टिंग टीम लगा दी है, मेन जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे टेस्टिंग टीम लगी हुई है। बाकी चिकित्सालयों में जो लोग आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है, फीवर क्लिनिक हमारे स्थापित हैं वहाँ पर टेस्टिंग हो रही है, और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी टेस्टिंग की जा रही है। अब सीमाओं पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात की गई है। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।